क्या पूछना भाई इसमें तुम्हें? जैसे रेकरेंट का तो निकाल लिया, एफ आई आई इक्वल्स टू वन आना चाहिए, है ना। तो 0 और 1 दोनों के दोनों रेकरेंट हैं। इतना क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें और बेटर अप्रोच सीखने की जरूरत है भाई, एफ आई आई ये सब करने की जरूरत थोड़ी है इसमें। तो ट्रांजिशनल डायग्राम बनाना आता है तुम्हें? यस सर, आता है बनाओ सर डायग्राम, मेरे को। बनाओ। सर 0 1 2 लिख लो आप। 0 से 0 में जाने की हाफ है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊं? 0 से 0 में हाफ है, 0 से 1 में हाफ है, 1 से 0 में भी हाफ है, रुक जाओ, 1 से अब 0 से 2 में नहीं 0 जा में हाफ सकता, है, तो 1 से 0 में जाएगा। हाफ 2 से 2 में 1/3 रुक है, जाओ रुक जाओ, 1 से 1 में कितना है? 1 से 1 में हाफ है। 1 से 0, 1 से 1, 1 से 2 नहीं जाएगा, फिर 2 से 2 1/3 है, 2 से 0 1/3, 0 1/3। 2 से 1 1/3, 2 से 2 1/3। सर मेरे को बेसिकली सी और डी ऑप्शन में पूछना है कि जैसे डी ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है इरिड्यूसिबल, लेकिन वो आ गया रिड्यूसेबल, तो डी ऑप्शन गलत है। क्योंकि सर इसमें क्या है कि जो 2 है वो कम्युनिकेट नहीं करेगा 0 और 1 से, हाँ, 1 के साथ कौन कौन कम्युनिकेट कर रहा है? 1 की क्लास 1 के कौन सा साथ है? सिर्फ 0 कर रहा है, 1 1 कहाँ, 1 से कहाँ कहाँ? चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 और 1 कर रहा है एक जीरो दूसरे से के साथ। कहाँ जा तो सकते हो? 0 से 0 पे जा सकते हो, जा सकते हैं 1 जीरो से 1 जा सकते हो, 1 से 0 आ सकते हो, हाँ आ सकते जी हो, सर, आ सकते हैं, 1 0 से 2 पे जा सकते हो, नहीं यस जा सकते 0 से 2 पे जा सकते, 0 से 1 जीरो जा सकते हो, 1 से 2 नहीं। हाँ तो इसका क्लास सर यही है टू नहीं बस। करेंगे। हाँ यस सर, टू की क्लास तो सर कौन सी ये है? रिड्यूसेबल आ गया, लेकिन सर आपने सी ऑप्शन के लिए लिखवाया था कि यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब इरिड्यूसिबल हो और ए पीरियोडिक हो, और हाँ इसने सी ऑप्शन को ट्रू दिखा दिया। सर इरिड्यूसिबल तो आ ही नहीं रहा सर, रिड्यूसिबल आ रहा है नहीं, तो तो फिर इफ इसमें तुम थ्योरम को गलत समझ रहे हो। इफ एंड ओनली थ्योरम थोड़ी तो वन वे है ना, वो तो इरिड्यूसिबल और एपीरियोडिक है तो गारंटी है यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इरिड्यूसिबल नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते हम। अगर कुछ अब मतलब वैसी बात हो गई जैसे मैंने लिखा है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अब तुमने कहा यस डिफरेंशिएबल सर, तो है ही नहीं तो कंटिन्यूअस कैसे हो गया, तो वो बात हो गई। ऐसा थोड़ी डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो मॉडेक्स तो डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है। डी ऑप्शन में लेकिन ये कह रहा है कि हैज अ यूनिक स्टेशनरी हाँ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरा तरीके से निकालना पड़ेगा तुम्हें, पाई पी इज इक्वल टू पाई सॉल्व करना आता है। अच्छा ऐसे निकालना पड़ेगा, हाँ इसे वो सॉल्व करो। कंडीशन सिर्फ वन वे थी सर, वो कंडीशन वन वे थी खाली। अरे वो थ्योरम नहीं लगेगी भाई, थ्योरम तब लगती है जब इफ कंडीशन ट्रू है तो देन की गारंटी देगा। इफ वाला ट्रू है ही नहीं तो देन के बारे में कुछ नहीं नहीं कह तो सकते, तो वो थ्योरम लगेगा ही सर नहीं तुम यहाँ क्या पे। बोल सकते हो? अच्छा तो कोई और तरीका मेरा लगाओ, और तो उसके लिए इसको सॉल्व करो, निकालो पी, यहाँ से पाई निकालो क्या आता है, यूनिक आता है कि नहीं आता है सॉल्व करके। पी तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। जी सर ठीक है। इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक है तो गारंटी देगा यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि है कि नहीं, हमें क्या पता, वो तो अच्छा सॉल्व करके देखना ठीक पड़ेगा। है सर, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ।